हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ यूनिस खान और आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल पोर्टल पर, जहाँ पर आप देखोगे कि हम हर प्रकार का स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और धीरे धीरे इसके अंदर हम और भी स्टडी मटेरियल्स ऐड करते जाएंगे। तो इसी सीरीज में हमने स्टार्टिंग की है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से अमल, अक्षार तथा लवण के MCQs किए थे, तो इसी तरह से हम आज देखते हैं एक नया क्विज इसी चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इस सेकंड क्विज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको स्टार्ट क्विज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है इस क्विज का, लैक्टिक अमल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर वन पूछ रहा है आपको लैक्टिक अमल पाया जाता है। तो लैक्टिक अमल कैसे मिलता है, संतरे में, दही में, नींबू या इमली में? तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका दही में। दही में लैक्टिक अमल होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो पहले आप समझते हो अम्लीय वर्षा होती क्या है, यानी कि आपने पढ़ा है कि पोल्यूशन की वजह से हमारे एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी गैसें इकट्ठा हो जाती है। और जब बारिश होती है तो बारिश का जो जल होता है वो आप समझते हो इन गैसेज के साथ कंबाइन करके, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ घुल रहा है तो वो कार्बनिक अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जब वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है। नाइट्रिक अम्ल बनता है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सभी गैसेज है वर्षा के जल के साथ में मिलकर अम्ल बनाते हैं, और वो जो अम्ल है जब नीचे गिरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो अम्लीय वर्षा की पहचान क्या है, किसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कब माना जाएगा, जब उसकी पीएच का मान 5.6 से कम हो। ठीक है, 5.6 से कम हो, 5.6 से ज़्यादा है तो उसको हम अम्लीय नहीं बोलेंगे। बहुत ज़्यादा अम्ल उसमें आएगा तभी उसकी पीएच की वैल्यू 5.6 से कम होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा। जो ह्यूमन ब्लड होता है, अपना जो ब्लड है उसका पीएच का मान जो होता है वो होता है 7.4, यानी कि 7 नहीं होता, वो पूरा न्यूट्रल नहीं होता, वो हल्का सा बेसिक होता है, क्षारीय होता है। इनेमल हमारे दांतों का जो कवर है जिसकी वजह से दांत हमारे हार्ड है, बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं ना दांत, हमारे सख्त होते हैं, तो ये हमारे दांतों के चारों तरफ जो परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, जो हमारे दांतों को मजबूती देते हैं और दांतों को खराब होने से बचाते हैं। तो ये किसका बनाता है, ये बनाता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट एक केमिकल है जिस की मदद से इनेमल बनता है। बेकिंग पाउडर में होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है आप समझते हो, बेकिंग पाउडर यानी कि जैसे ये ब्रेड वगैरह होती है उसको बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा इसको बोल देते हैं। तो बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल डाला जाता है, तो बेकिंग सोडा में डाला जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जब बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल दोनों मिलाए जाते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब गर्म होता है, कोई भी खाने की जैसे ब्रेड वगैरह बनती है तो उसमें आपने देखा है ब्रेड होती है उसमें हल्के हल्के पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, तो वो बेकिंग पाउडर में जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसकी वजह से होता है। तो जब ये चीज़ को गर्म करते हैं बनाने, ये जैसे ब्रेड वगैरह कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट गर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के लिए उस चीज़ को फुला देती है, उसमें फुलाउट ला देती है। इसी वजह से हम देखते हैं ब्रेड बिल्कुल नरम होती है, और ब्रेड के अंदर हल्के हल्के सुराख होते हैं, वो सुराख क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आई है, वो आई है बेकिंग पाउडर के अंदर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से। बट ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब गर्म होता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और जो हल्का सा क्षारीय नेचर शो करता है, तो इसकी वजह से ब्रेड जो है या कोई भी चीज़ है अगर उसमें सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो वो कड़वे टेस्ट में आ जाएगी। तो उस कड़वेपन यानी कि उसी अक्षारीय चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, एक दुर्बल अम्ल जो अपना कार्बोनिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल, उसको मिलाया जाता है, ताकि अम्ल और उसमें कुछ बना हुआ अक्षार जो है वो आपस में एक दूसरे को उदासीन कर दे। तो इसलिए आपने याद रखना है बेकिंग पाउडर के अंदर टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, तो क्यों मिलाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपका आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आए हैं, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा। तो आप समझते हो इस बात को,
लाल से नीला, आपने पढ़ा एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, वो आपके ब्लू से रेड करते हैं, ठीक है ना, ब्लू यानी के नीले से लाल करते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, लाल से नीला, तो लाल से नीला करेगा इसका मतलब वो कैसा है, अक्षारीय है, तो इसका क्या आएगा, 7 से अधिक और 14 से कम, 7 से अधिक और 14 से कम। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है, 1 विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो पीएच क्या होगा, तो नीले को लाल करने वाला अम्ल होता है और अम्ल का पीएच हमेशा 7 से कम होता है, तो इसमें देखो 7 से कम वाला ऑप्शन का है 0। इसके अलावा ये प्रोटीन है, ये अक्षारीय है, 10 वाला अक्षारीय, 7 वाला उदासीन, तो 0 पीएच वाला कौन सा होगा, प्रबल, सॉरी ये प्रबल अम्ल होगा, ठीक है ना। इसके बाद में 1 विलियन के पीएच का मान 9 है, 9 पीएच कौन होता है, तो वैसी बात अक्षारीय होगा, और 14 पे तो बहुत ज़्यादा अक्षारीय होता है, तो प्रबल अक्षारीय हो जाता है, और 9 पे क्या माना जाएगा, वो दुर्बल अक्षारीय, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका दुर्बल अक्षारीय। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ फलों को खट्टा बनाते हैं, फलों को खट्टा यानी कि फल खट्टे किसकी वजह से होते हैं, अम्ल की वजह से, अम्ल और अक्षार क्रिया करके बनाते हैं, आपने पढ़ा था इससे पहले, अम्ल और अक्षार जब मिलते हैं तो आपस में लवण तथा जल बनाते हैं, उसे बोला था हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इसमें अम्ल तथा जल या अम्ल तथा पानी आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है, उसमें आएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं विरंधक चूर्ण, धावन सोडा, वाशिंग सोडा, किस में उपयोग किया जाता है, वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं, साबुन बनाने में भी करते हैं, कांच की फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, कागज़ उद्योग में यूज़ करते हैं, किस में आएगा आपका उपरोक्त सभी। क्लोर एल्किल प्रक्रम में हम किसका निर्माण करते हैं, तो मैंने आपको बताया था एल्किली जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए किया गया था, इससे पहले एल्किलीज में आया था वहाँ अक्षार हिंदी में बोला गया था, तो अक्षार कौन सा बनता है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये मैंने पहले इस सब इससे पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन आपका आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल के वाष्प किस ग्रह के वायुमंडल में है, तो अपना जो शुक्र ग्रह होता है उसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के वाष्प होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जब HCl क्रिया करता है, HCl क्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो किससे करेगा, संगमरमर से, चूने के पत्थर से, चाक से, उपरोक्त सभी से, तो देखो समझने वाली बात है, संगमरमर हो, चूने का पत्थर हो या चाक हो, ये सभी के सभी कैल्शियम कार्बोनेट हैं, ठीक है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है Ca(CO3), और उसको जब HCl से रिएक्शन करवाते हैं, HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है CaCl2+ H2O+CO2, ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर क्या बनने लग रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये तीनों के तीनों संगमरमर, चूने का पत्थर तथा चाक, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं जो HCl के साथ में या कोई भी एसिड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाते हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, उपरोक्त सभी। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चंस जो हमने देखे इस क्विज के अंदर, तो आइए अब देखते हैं अपना रिजल्ट, क्वेश्चन आपने सोल्व किए, अब इनको सबको हम सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद देखा सभी आपको ग्रीन नज़र आने लग रहे हैं, इसका मतलब सभी क्वेश्चन आपके ठीक हैं, तो आपका रिजल्ट है 15/15। तो इस तरह से आपने क्विज को अटेम्प्ट करना है, किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको गलत है तो उसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कौन सा आंसर ठीक है, उसको आप रीटेक कीजिए बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बार बार रीटेक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे क्विज समझ में आ जाएंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, उसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं।